शुरुआत से ही सैमसंग के पास गैलेक्सी नोट सीरीज के लिए एक बहुत ही यूनिक डिजाइन थी। और सबसे पहले इस नोट सीरीज के डिवाइसों को जो नोट बनाता वो इसका ये सिग्नेचर स्क्वायर डिजाइन है। और दोस्तों इन सालों में हमने इस डिजाइन को रिफॉर्म होते हुए भी देखा, इन चंकी बेजल्स और प्लास्टिक बॉडी से इस स्लीक और मॉडर्न डिजाइन तक जिसे हम आज सब पसंद करते हैं। और दोस्तों यही सेम स्टोरी लास्ट ईयर के गैलेक्सी नोट 10 मॉडल के साथ भी थी। दोस्तों मेरे ओपिनियन में गैलेक्सी नोट 10 अब तक का सबसे बेस्ट दिखने वाला स्मार्टफोन है। और आप जैसे जैसे इसे यूज करते हो तो आपको सब पता चलने लग जाता है कि सैमसंग ने इसके साथ आखिर क्या अचीव किया। और थैंक्सफुली अब गैलेक्सी नोट 20 सीरीज भी इस सेम लुक के साथ ही जाने वाली है। दोस्तों हालिक्स ने गैलेक्सी नोट 20 का फर्स्ट लुक अनरील कर दिया जो इसे हर एंगल से दिखा रहा। आप यहाँ पे देख ही सकते हो कि ये देखने में सेम गैलेक्सी नोट 10 के जैसा दिखाई दे रहा, इन कर्व्ड एजेस के साथ और इस बॉक्सियर डिजाइन के साथ। पर दोस्तों यहाँ पे कुछ चेंजेस भी हैं, जिसमें पहला इसका ये एक ह्यूज कैमरा लेआउट है। मैं इस कैमरा लेआउट का कोई ज्यादा बड़ा फैन तो नहीं, पर सैमसंग ने इसमें अब की बार कैमरा रिंग्स ऐड किए हैं जो होनेस्टली देखने में बहुत ही अच्छी दिखाई दे रही हैं, जो मुझे थोड़ा थोड़ा आईफोन 11 प्रो की कैमरा रिंग्स की याद भी दिलाती है। ये कोई बुरी बात नहीं है। और दोस्तों उन्होंने जो S1 का स्लॉट था उसे लेफ्ट की तरफ मूव कर दिया और जो फिजिकल कीज थी उनको राइट की तरफ, जो गैलेक्सी नोट 10 में लेफ्ट की तरफ थी। और दोस्तों यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट चीज है कि इस गैलेक्सी नोट 20 की थिकनेस 7.6 मिलीमीटर होने वाली है ओलिक्स के मुताबिक, जो दोस्तों एक्चुअली एक अच्छी चीज है। इस चीज को देखते हुए कि जो गैलेक्सी S20 अल्ट्रा था उसकी थिकनेस 8.8 मिलीमीटर थी, जो हाथ में इतनी अच्छी फील नहीं देता था जब आप इसे गैलेक्सी नोट 10 के साथ कंपेयर करते थे जो 7.9 मिलीमीटर का था। तो दोस्तों 7.6 मिलीमीटर के साथ ये गैलेक्सी नोट 20 एक बहुत ही पतला डिवाइस होने वाला है और इसके कारण ये बहुत ही ब्यूटीफुल भी दिखाई देगा और हाथ में भी अच्छा फील करेगा। और कोई भी एक ऐसे डिवाइस के लिए $1000 नहीं देना चाहेगा जो देखने में अच्छा नहीं दिखाई देता। और दोस्तों हमारे पास गैलेक्सी नोट 20 और नोट 20 प्लस की कैमरा स्पेसिफिकेशंस भी आ गई हैं। दोस्तों जो गैलेक्सी नोट 20 होगा उसमें एक 12 मेगापिक्सल का मेन कैमरा होगा और एक 64 मेगापिक्सल का टेलीफोटो और एक 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा। और इसके साथ ही जो गैलेक्सी नोट 20 प्लस होगा उसमें मेन कैमरा 108 मेगापिक्सल का होगा और एक 12 मेगापिक्सल का टेलीफोटो और इसके साथ ही एक 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा। और दोस्तों आपको याद ही होगा कि आईस यूनिवर्स ने कुछ दिन पहले कहा था कि गैलेक्सी नोट 20 प्लस में एक और सेंसर होगा जो ऑटो फोकस में मदद करेगा। और दोस्तों आज हमें पता चल गया है कि वो कौन सा सेंसर होने वाला है, ये लेजर ऑटो फोकस सेंसर होगा। और गैलेक्सी S20 अल्ट्रा के भी ये रूमर्स आ रहे थे कि उसमें भी ये सेंसर होगा, पर किसी कारण उसमें ये नहीं आ पाया। दोस्तों ये जो लेजर ऑटो फोकस होता है ये अब तक का सबसे फास्ट फोकसिंग मेथड है जो अब तक के सभी स्मार्टफोनों में मौजूद है और इसे ज्यादातर स्मार्टफोन कंपनियां इंक्लूड नहीं करती। इसका कारण है कि ये बहुत ही एक्सपेंसिव होता है। और दोस्तों यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि सैमसंग के पास अब कोई चॉइस भी नहीं बची है, क्योंकि ये जो ऑटो फोकसिंग प्रॉब्लम होती है ये एक सॉफ्टवेयर की मदद से सॉल्व हो सकती है और सैमसंग ने इसका ये सॉफ्टवेयर पैच दे दिया, पर फिर भी इसमें कुछ इश्यू आ रहे हैं। तो ये लेजर ऑटो फोकसिंग गैलेक्सी नोट 20 प्लस में 19 को पक्के तौर पे फिक्स कर देगा। तो दोस्तों आप क्या सोचते हो इसके बारे में मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक जरूर कर देना और ऐसी न्यूज के लिए चैनल तो सब्सक्राइब कर ही लेना।